नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। कोविड-19 महामारी का असर इंसानों पर ही नहीं बेजुबानों पर भी पड़ा हुआ है, क्योंकि बेजुबान इंसानों के सहारे ही अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन मौजूदा समय में जब इंसान खुद अपने घरों में कैद हो गया, तब इन बेजुबान का कोई भी पूछने वाला नहीं रहा। ऐसे में इन लोगों को तड़पना और भूख से बेहाल हालात को देखकर कुछ युवा आगे आए और फिर यह सिलसिला चल पड़ा और अब प्रतिदिन शाम के 5 बजे से क्षेत्र की करीब 40 से 50 गाय भोजन की आस लिए एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और फिर युवाओं का एक एक कर सभी गायों को चारा देना और फिर पानी के लिए लगाए गए नाद में पानी देना उनकी नित्य की प्रक्रिया बन गई है। जब इस बारे में इस टीम को लीड कर रहे विनोद विश्वकर्मा से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि उनके इस एरिया में पुरानी सब्जी मंडी पिछले कई सालों से चली आ रही है, जिसके सहारे दर्जनों गाय की जीविका चला करती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद सब्जी मंडी बंद हो जाने के कारण इन गायों का दर्द देखा नहीं गया और फिर कुछ युवाओं ने उसी दिन प्रण लिया और फिर शुरू हो गया गौ सेवा का यह कार्यक्रम, जिसके लिए यह लोग प्रतिदिन कुछ पैसा मिलाकर सब्जियों को खरीदते हैं, फिर उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर उसे सैनिटाइज करते हैं और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर शाम 5 बजे का इंतजार करते हैं, जब यह गाय खुद एक एक कर चली आती हैं और फिर यह लोग सभी गायों के सामने चारा और पानी की व्यवस्था करते हैं। अगर हम इनकी बातों की माने तो उनका यह कार्य आगे भी चलता रहेगा। एक्चुअली लॉकडाउन जब से हुआ था तब से उसी दिन जितनी गाय थी यहाँ पे काफी झाड़ मार के चिल्ला रही थी, भूखे तड़प रही थी, उसको देखते हुए दूसरे दिन से ही ये कार्यक्रम हम लोगों ने चालू किया। सब्जी को खरीदना, उसको धुलना, उसको काटना, फिर उसको चारा बना के प्रतिदिन इनको सायंकालीन खिलाना। इसलिए सोच आया कि ये है हम लोग के एरिया पुरानी सब्जी मंडी। पुरानी सब्जी मंडी में एक्चुअली सब्जी की दुकानें लगती थी तो वो सब्जी जो गिरता था यहाँ पे या जो बच जाता था वो खा के अपना भरण पोषण करती थी, लेकिन वो सब्जी बंद हो गया। इस कारण ध्यान में रखते हुए कि ये गाय मर जाएंगी भूखे तड़प के, इसलिए नाद लगवाया गया, पानी भरा गया और ये आया कि नहीं इनको भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए हम लोग मिल के विश्वकर्मा परिवार एवं हमारे मित्रगण लोग मिल के डिसाइड किया कि इनको भी भोजन की व्यवस्था, इसको देखते हुए हम लोग कुंटल कुंटल माल खरीदते हैं, अगर चारा बना के इनको सायंकालीन खिलाते हैं। यही हम लोग नियर अबाउट लगभग, ये तो रेट पर डिपेंड करता है सब्जी की कि महंगा सस्ता, नियर अबाउट लगभग 1000-1200-1500 के लगभग आता है। क्या ये कार्यक्रम आगे भी इसी तरह चलता रहेगा या क्या? जब तक लॉकडाउन है तब तक ये चलेगा। और कितने जब आप लोग खिलाना शुरू करते हैं लगभग कितनी गाय आ जाती होंगी? नियर अबाउट लगभग मान के चलिए कम से कम कभी 25 कभी 30 कभी 35, क्वांटिटी लगभग 25 के नियर अबाउट होता है। इस समय इनका एक्चुअली पहले तो 2-3 मीटिंग हम लोग देते थे, कम संख्या था, लेकिन उनके बाद उनको भी जानकारी हुआ कि यहाँ चारा मिलता है तो दूर दूर से गाय उस समय 5 बजे एकत्रित हो जाती है यहाँ, तो 5 बजे का ही समय फिक्स रखा गया है, 5 बजे हम लोग चारा यहाँ प्रतिदिन देते हैं। हम लोग एक दिन जैसे जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके दूसरे दिन हम लोग ऐसे ही शाम को भ्रमण कर रहे थे अपने मोहल्ले में ही, देखा गाय भूखे इधर उधर चिहाड़ मार रही थी, अच्छा उनका दर्द रो रही थी, आंखों में से आंसू गिर रहा था, वो देखा नहीं गया हम लोग से। हम लोग लगे कि कुछ हम लोग को इनके लिए करना चाहिए। लॉकडाउन के दूसरे दिन हम विश्वकर्मा परिवार और कुछ मित्रगण मिल के वो बनाए, चलिए थोड़ा थोड़ा अगर सब लोग कंट्रीब्यूट करके कुछ करते हैं, चारा वारा लेते हैं, इन लोग को शाम को खिलाने की व्यवस्था करी जाए। सुबह हम लोग 2-3 टाइम खिलाते थे, फिर शाम को हम लोगों ने निश्चित किया प्रतिदिन जब से लॉकडाउन के दूसरे दिन से प्रतिदिन हम लोग शाम को 5 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में गौ चारा रोज लेते हैं, सुबह खरीदते हैं, उसके बाद सैनिटाइज करते हैं, धुलते हैं, उसके बाद उसको काट चीर के पूरा बकायदे 5 बजे शाम को प्रतिदिन सभी गायों को चारा दिया जाता है।